कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विदेशी कंपनियों को हवा निकालते हुए कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने प्रोजेक्ट सारंग के तहत रूसी गनों को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के GM SK गर्ग साहब। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है जो प्रोजेक्ट हासिल हुआ? ये हमारे विभाग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए एक विशेष उपलब्धि है। हमने ये कॉन्ट्रैक्ट विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत प्राप्त किया है। जैसा कि पहले व्यवस्था होती थी कि आर्मी से हमें सीधे सीधे ऑर्डर्स मिल जाया करते थे, लेकिन बदलते हुए परिवेश में और परिस्थितियों में कुछ इस तरह का बन रहा है कि अब हमें भी प्रतिस्पर्धा से ही ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये प्रोडक्ट हमने काफ़ी पहले डेवलप किया था, लेकिन आर्मी ने इसको उचित समझा कि ये RFP के माध्यम से इसको प्रोक्योर किया जाए, तो उन्होंने एक ग्लोबल RFP इसके लिए जारी किया था, जिसमें कि और भी फर्में शामिल थीं। और जब इसके फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल्स हुए तो उसमें सिर्फ हमारी गन ही स्वीकार्य पाई गई। एक बार इसका पुनः ट्रायल भी हुआ था, उसके बाद भी रिजल्ट सेम रहे, और जो दूसरी गनें इसमें जो ऑफर हुई थी वो आर्मी के द्वारा स्थापित मापदंड में सफल नहीं हो पाई, और अंततः हमें ये ऑर्डर मिला। सर, कितने और देश थे जो इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते थे, और क्या एक अहम वजह रही जिसने ये प्रोजेक्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को दिलाया? मुख्यतः जो हमारी इसमें अपना डेवलपमेंट था और इस गन की जो एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी थी वो बाकी गनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो RFP में जो प्रावधान रखे गए थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमारी गन ने परफॉर्म किया, और दूसरी गनें जो मापदंड स्थापित आर्मी ने किए थे वो उसके आसपास कहीं नहीं ठहर पाई थी। ये थे SK गर्ग साहब जो बता रहे थे कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो उसने अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट हासिल किया है विदेशी कंपनियों के छक्के छुड़ाकर। किसी ने खूब ही कहा है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। मैं रजनीश दीक्षित, ET कानपुर।